रक्षा का कोर्स हो, डीजे का कोर्स हो, डिप्टी जेलर का कोर्स हो, फॉरेस्ट गार्ड का कोर्स हो, चाहे वो जेल पहरी का कोर्स हो, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर कोर्स हो और पुलिस का कोर्स हो या पीएससी का कोर्स हो, ये सभी को लेकर के आ चुका है चौहान एकेडमी आपके सामने। और अब इस बार एक सीट आपकी होगी पक्की। आप सभी के लिए ये कैसे एक्सेस होगा, कैसे मुमकिन होगा, शॉर्ट में। ये सबसे पहले चौहान एकेडमी का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पर जाकर उसको इंस्टॉल करना है, ओपन करना है, अपनी थोड़ी सी बेसिक जानकारी को भरना है। उसके बाद आप जाएंगे पेड कोर्स में और पेड कोर्स में देखेंगे आपको जो भी कोर्स चाहिए आप उसको बाय कर सकते हैं, चाहे व्यापम का कोर्स हो चाहे पीएससी कोर्स हो। तो एक सीट अगर पक्की करनी है तो चौहान एकेडमी के साथ जुड़ना है, क्योंकि मामला इज्जत का है। थैंक यू। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं उनकी, जिनका पेपर 20 मार्च से है, जिनका पेपर 20 मार्च या उसके बाद का है, उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि कोर्स एक बार कम से कम आपका पूरा करवा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा। लेकिन उन्हीं के लिए जो ये कहेंगे कि गुरुदेव आपने अगर कहा कि मैथ का आज नंबर सिस्टम खत्म होना चाहिए तो चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, आग लग जाए, धरती फट जाए, लेकिन हम उतना करेंगे, तो मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए। तो प्लीज ऐसे ही स्टूडेंट्स में ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल बीसीए नहीं कहते जैसे कि सर एक सीट हमारी पक्की करा दीजिए, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, साथ साथ मैं आपको बताते रहूंगा। जो पिछले पेपर मेरे पास पूरे आ चुके हैं, अब मेरे पास पेपर कैसे आते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे बच्चे रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करते हैं तो सब बच्चे मुझे अपनी रिस्पॉन्स शीट को क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। वो जो रिस्पॉन्स शीट मेरे पास पड़ी होती है, उस रिस्पॉन्स शीट के जरिए मैं आपको जो है आपका पूरा करवा सकता हूँ। लेटेस्ट क्वेश्चन है सारे सारे, तो आपको पता रहेगा इसमें। ठीक है, और कोई दिक्कत बताइए। नहीं आबकारी जैसा नहीं आएगा पेपर, भाई इसका पेपर अलग पेपर है भाई, इसका पेपर अभी कुछ दिन पहले पेपर हुआ तो उसी जैसा पेपर होगा, टेंशन ना लो इस चीज का। साथियों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक किताब को सजेस्ट करना चाहूँगा, जो है चच्छू प्रकाशन की समूह दो उप समूह चार के साथ साथ में पटवारी की बेहतरीन तैयारी आप इस किताब के द्वारा कर सकते हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद आप चच्छू प्रकाशन के ही पटवारी प्रैक्टिस सेट से अपनी बेहतरीन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपनी एक सीट अच्छी तरीके से पटवारी के एग्ज़ाम में पक्की कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश पटवारी स्टडी गाइड से तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस सेट से अपनी प्रैक्टिस को चेक कीजिए। इसके साथ साथ में चच्छू प्रकाशन के द्वारा कुछ अन्य किताबें निकाली गई हैं जो आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस किताब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं, फिर से एक बार एक रणनीति बता दूंगा आपको मैं। प्लीज बेटा सुन लो अच्छे से रणनीति, शायद जिंदगी में आपको याद होना चाहिए। याद रखना मेरे बच्चे, मैनेजमेंट और मैथ्स दोनों महत्वपूर्ण है बेटे, और दोनों आपके लिए एक समय बराबर है। तो ना तो पूरा मैनेजमेंट हो पाएगा ना पूरा मैथ्स हो पाएगा कि आप इसमें बटा बटा ला सको। तो इसका एक ही तरीका क्या है, इसमें भी कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जो आपके लिए बहुत आसान होंगे, इसमें कुछ चैप्टर बहुत आसान होंगे। उसका रीजनिंग की चर्चा करते हैं, रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद कंप्यूटर की चर्चा करते हैं मेरे बच्चे, उसके बाद हिंदी की चर्चा करते हैं, उसके बाद इंग्लिश की चर्चा करते हैं बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, बात करते हैं उसके बाद जीके की बात करते हैं मेरे बच्चे। अब देखो इसमें मैथ है रीजनिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें करंट अपन में डाला नहीं। अब 8 के 8 आपको बैलेंस करके चलना, आज के बाद ये सिद्धांत बना लो। सर कितने का प्राइस क्या है, उससे मैं सोच रहा था फ्री कर दो, लेकिन फ्री में ना इन लोग पता क्या करेंगे, ये वैल्यू नहीं रखेंगे उस चीज़ की। मतलब चाहता था टारगेट वाइज फ्री कर दूँ, लेकिन बातें ना मुझे पता नहीं, फ्री में ना फ्री ऑक्सीजन मिली थी, फ्री पर्यावरण मिला था, उन्होंने बर्बाद कर कर दिया फ्री पर्यावरण को। ठीक है ना, फ्री अगर कर देंगे तो बर्बाद कर देंगे। तो एक काम करिए, उसमें उस प्राइस कितना है टारगेट बैच का, ट्रिपल है, चढ़ा नहीं कर सकता मैं उस चीज़ का, फ्री नहीं कर सकता, मुझे पता है, क्योंकि फ्री कर दूंगा तो तुम लोग जो है ना बर्बाद कर दोगे। ठीक है, पूरे के पूरे चीज़ों को बर्बाद कर दिए। ठीक है, तो 50% 70% जो भी ऑफ मार सके मार दीजिएगा। ठीक है, पर इनको फ्री नहीं करिएगा। ठीक है, फ्री कर देंगे ना ये बर्बाद हो जाएंगे। नहीं समझ में, ये तो वो हैं कि फ्री में जहर भी ले लें और खुद सुसाइड कर लें सारे। ठीक है, समझो बात को, मैं बहुत साम बात बोल रहा हूँ उनको। ठीक है, चलिए हाँ, तो कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए 500 कर दीजिएगा। ठीक, 500 कर दीजिए, 500 कर लेंगे। अब 500 जो ना कर पाए वो पटवारी के पेपर ना दे, ज्यादा सही है, काय को दे रहे जा रहा फालतू में। आइए, तो रणनीति क्या है इसका, एक ही चीज ध्यान रखना, आज से एक चीज करना है, हर सब्जेक्ट चाहे आप एक आधे घंटे हिंदी पढ़ो पर पढ़ो, नो मैटर, आप आधे घंटे हिंदी पढ़ो पर हो, लेकिन एक और चीज याद रखना,
जो टॉपिक आप हिंदी में पढ़ रहे हो वही टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ो तो आपको फायदा क्या है, हिंदी के साथ इंग्लिश तैयार हो, इंग्लिश साथ हिंदी तैयार हो रही है। अच्छा, आप साइंस के साथ कंप्यूटर पढ़िए, क्यों? क्योंकि आपको ये साइंस है ये कंप्यूटर, तो मिल गया कि आपका कंप्यूटर साइंस भी हो गया आपका। जीके अगर आप जब कंप्यूटर पढ़े साइंस पढ़े तो याद रखें जीके में कि जो आपके जो साइंस का पोर्शन आ जाता है करंट अफेयर आ जाता है, जैसे आप आजकल सुन रहे हैं कंप्यूटर में मानव, मानव क्या है, मानव वेबसाइट है, मानव एक प्रोजेक्ट है, मानव एक रोबोट है, ये तमाम चीज को आपको करना आपको ठीक है ठीक। हाँ ठीक ठीक ना, चलिए अच्छा एक चीजें करेंगे, दूसरी चीज क्या करेंगे आप लोग इसके बाद, रीजनिंग के जब कर रहे हैं तो रीजनिंग के कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और लॉजिकल रीजनिंग दो टॉपिक दे रखा है, इस दो टॉपिक में मैथ से ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपका रीजनिंग का। और रीजनिंग में आजकल क्या कर रहा है आपका, रीजनिंग में सबसे ज्यादा आपको फंसा रहा कैसे, ऐसे क्वेश्चन दे देता है, एक तो कुछ क्वेश्चन आपको दिखेंगे नहीं और कुछ क्वेश्चन ऐसे दिख जाते हो टाइम टेकिंग हो तो उनको छोड़ देना, तुम टाइम टेकिंग हो, तुम्हें बस किसी भी प्रकार से मेंटेन रखना है 150 नंबर, क्योंकि अभी फर्जीवाड़े वाले भी तो बच्चे होंगे भाई, कंपनी ने कुछ बच्चों से जो पैसा ले रखा होगा 10-15 लाख 20 लाख का पैसा ले रखा होगा, मैं मान के चलता हूं मतलब 500,000 भी ऐसे अगर कैंडिडेट होंगे तो उनको भी तो कट ऑफ बढ़ाएंगे, ठीक है हम जानते हैं इस चीज को, ये कितना भी नाटक नौटंकी पेल लें लेकिन सच्चाई यही कि इनका पेपर बाहर बैठ के सॉल्व होगा तुम देखना, ठीक है तो वो से हम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि 100% सीटें नहीं बिक सकती, तो ये मेंटेन करना है सभी को एक साथ, एक साथ मेंटेन करना, मतलब पर डे आपको बस एक बात करना है, मैं पर डे आपको जो टारगेट वाइज बताऊंगा 12 से 14 घंटा, ठीक है चलो बताओ कितने लोग हैं 12 से 14 घंटे पढ़ने के लिए, दिखाना जरा, दिखाना जरा, मैं इधर हटो यार थोड़ा कमेंट पढ़ना भाई, कितने लोग हैं सर पटवारी का पेपर, सर एससी इंस्पेक्टर का, यस यस सर लेबर इंस्पेक्टर का, बिल्कुल लेबर इंस्पेक्टर, ग्रेट साक्षी यादव ग्रेट लेबर इंस्पेक्टर सर जी, मैथ एडवांस, एडवांस मैथ बहुत कम सर, मैथ एडवांस, एडवांस कम आएगा सर, आई एम रेडी सर, मैं बहुत, मैं सर रेडी है, नाइस सर, ओके तो आज एक काम करना है, चिपका देना है लिख करके, अब की बारी मैं बनूंगा पटवारी, और इसको अपने स्टडी रूम में लगा दो, स्टडी रूम में लगा दो गुरुजी, ए किसी और कोचिंग की बुराई मत कर पगले, मैं यहां पर किसी कोचिंग की बुराई करने नहीं आया हूं, सौ किसी देख बात ठीक है, हर कोचिंग वाला कुछ उनको अच्छा पढ़ा रहा होता है ठीक, मुझे अपने पर ध्यान देना है, किसी कोचिंग बुराई, बहुत बढ़िया शानदार, तो ओके फिर स्टार्ट करते हैं, फिर आज से, फिर आज से टारगेट बैच में रहेगा क्या, डेली का टारगेट, डेली का टारगेट रहेगा पहला बात, पहली चीज, प्लस जो पुराने प्रश्न पत्र हैं, पुराने प्रश्न पत्र किसके, पटवारी के क्या ना, ग्रुप टू सब ग्रुप टू, ग्रुप टू सब ग्रुप फोर, ग्रुप टू सब ग्रुप थ्री, इन सभी के पेपर्स को हम पर डे डिस्कशन में लेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, एक एक सब्जेक्ट करके लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर, तो आज से स्टार्ट करते हैं, डन सर, सर इस बार मैं बनूंगा समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, वाह गुड वाह बहुत बढ़िया, बैच फ्री है ना, हाँ सब फ्री कर दूं मैं, ठीक है अपना खून पसीना बहाओ फ्री में, 200-400 रुपए भी ना दे सकते तुम, बैच फ्री है ना, फ्री ना है बैच सर, एडवांस करिए, पहले अर्थमेटिक शुरू करेंगे,